गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आज की एक्टिविटी हम आर्ट सेलिब्रेशन में करेंगे। तो आर्ट सेलिब्रेशन में आज हम करने वाले हैं पेज नंबर 9। इससे पहले के जितने भी पेजेस हैं वो हमने कर लिए हैं। तो आज हमारा जो है एक्टिविटी वो है पैटर्न, फिल द पैटर्न यूजिंग स्केच पेन। आप स्केच पेन भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह। 12 स्केच पेन का सेट भी आता है, 6 का भी आता है, और जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उससे इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हैं। ये इस तरह से ब्रश पेन है, ब्रश पेन को भी यूज़ कर सकते हैं। और ये फ्लैट पेन का सेट, ये है फ्लैट पेन का सेट, ठीक है। तो आप किसी भी मीडियम से अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्टिविटी। आप इसमें क्रेयॉन्स भी कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, पहले ये छोटे छोटे जो बबल्स है वाइट वो पहले से ही बनाने होंगे। या फिर आप एक और काम इसमें कर सकते हैं कि आप इसको पूरा ही पर्पल कलर कर दें। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसके बाद आपको इसके ऊपर वाइटनर से ये डॉट्स बनाने हैं या वाइट कलर से ये डॉट्स बनाने हैं, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से इसको कम्प्लीट करना है। ये देखिए, ये मैंने ब्रश पेन ले लिया है स्केच पेन के लिए, ताकि ये एक्टिविटी जल्दी से कंप्लीट कर सकें हम। बाकी आपके पास जो अवेलेबल है आपको वही लेना है। इस तरह से आ रहा है, इसे धीरे धीरे आपको इसको कलर करना है। इधर मैंने पर्पल कलर किया था, अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ ग्रीन कलर। इस तरह से ग्रीन कलर, उसके बाद वापस से हमको कौन सा लेना है, पर्पल कलर लेना है, ठीक है। आपको इसके ऊपर डॉट्स जो है वाइट कलर से बना सकते हैं आप, या फिर आपको वाइट पेंसिल लेनी होगी, या फिर आपके पास अगर वाइटनर है तो उससे आप डॉट लगा सकते हैं। मैंने फिर से ये वाला कलर लिया है कि अगर हम इस पर सर्कल छोड़ेंगे तो उसमें कलर करने में बहुत टाइम लगेगा, वो प्रॉपर सर्कल बन नहीं पाएंगे। इस वजह से सबसे अच्छा है आप डॉट्स लगा देंगे या फिर वाइट कलर लेके ब्रश के पीछे से टिप, जो पीछे वाला पार्ट होता है उससे आप टिप लगा देंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले आप कलर मार्क कर दें, कहाँ आपको पर्पल करना है, कहाँ ग्रीन करना है, उसके बाद आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये मैंने वाइट पोस्टर कलर लिया है, उसमें मैंने पेंसिल को डिप करके इस तरह से मैंने डॉट्स लगा दिए हैं। ये तो आपको भी ऐसे ही करना है, इस तरह से आपको डॉट्स लगाने हैं। ये पेंसिल के हेल्प से आपको डॉट लगाने हैं, ठीक है। आप वाइट पोस्टर कलर ले लेंगे, वाइटनर ले लेंगे, या फिर वाइट पेंसिल भी आती है ये, इस तरह से। और ग्रीन में भी हम इसी तरह से डॉट्स लगा देंगे। अब हम नेक्स्ट पैटर्न पे आते हैं। उसके अंदर क्या करना है आपको, ऑरेंज कलर लेना और ब्राउन। मैं ब्रश पेन ही यूज़ कर रही हूँ इसमें, ब्रश पेन से ये बहुत इजीली हो जाता है। आप इसमें रेड कलर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास रेड कलर है तो। और अब हमको इस पे करना है ब्राउन कलर। ब्लैक लाइन से आपको बाहर नहीं निकालना है कलर को। बहुत मज़ा आता है इस तरह की एक्टिविटी करने में, तो आप भी अच्छे एंजॉय के साथ में। अभी आप घर पे ही हैं, कहीं आना जाना नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसमें आपको चाहिए ऐसी एक्टिविटीज़ की आप इनको घर पे बैठ के करते रहें। अब मैंने रेड कलर यूज़
कर रही हूँ यहाँ पे, मैंने उसमें ऑरेंज लिया था। आप कलर कॉम्बिनेशन अपनी अपनी पसंद से भी ले सकते हैं जो भी है। अब इसमें हमको ये वाली बनाना है ऐसा, और उसके बाद उस पर ब्राउन कलर करना है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। फिर नेक्स्ट वाला जो है उसके अंदर हमको येलो ब्लू येलो पर्पल तीन कलर लेने हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेंगे येलो, कौन सा कलर लेंगे, येलो कलर। येलो कलर आप जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप इसमें वाटर कलर भी कर सकते हैं अगर वाटर कलर करना चाहें तो, और अगर क्रियॉन्स से करना चाहते हैं तो क्रियॉन्स से भी इस एक्टिविटी को आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये मैंने ले लिया येलो, ठीक है। एक ही डायरेक्शन रखना है आपको, अब हम लेंगे ब्लू कलर। ये हमने ले लिया ब्लू, ठीक है। आप इसमें कलर कोई सा भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो आपको मेंशन किया है, बस यही आपको इसमें ये देखना है कि दो कलर एक साथ नहीं होने चाहिए। उसके बाद मैंने ले लिया पर्पल कलर। बस आपको ये देखना है कि किसके साथ कौन सा कलर अच्छा लगेगा, वो देख के आपको इसको कंप्लीट करना है पैटर्न को, ठीक है। इसमें भी आप चाहें तो कुछ डिज़ाइन बना सकते हैं अपनी मर्जी से कि ये और अच्छे से सुंदर लगे, ठीक है। अब इसी तरह से आपको यहाँ पे भी इसी तरह से कलर करके अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट करके अपने क्लास ग्रुप में ज़रूर शेयर करना है। थैंक यू।